हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है चादर मैंने झाड़ दी थी लेकिन बिछाई नहीं, क्योंकि उसी बीच मुझे कुछ रश्मि कलेक्शन का अर्जेंट काम आ गया, मैं वो करने लगी। और मुझे ये लगाना है, इसको मैं जो है हफ्ते में दो बार लगाती हूँ, तो अभी मुझे ये भी लगाना है, इसको भी लगाते हैं। और इससे पता क्या हुआ ना, मेरे को ना बड़े बारीक बारीक से दाने हो रहे थे, बहुत हो रहे थे। मतलब ना दूर से तो पता ही नहीं चलता, देखो कैमरे पे पास आते हैं ना तो दिखते हैं, लेकिन अभी इससे क्या हुआ ना, वो दब गए। डेली तो नहीं लगा रही मैं, हफ्ते में दो बार लगा रही हूँ। तो इसको यहाँ रखती हूँ, इसको मैंने बाहर निकाला कि ताकि मैं आज इसको लगा लूँ। दो दिन पहले लगाया था शायद, या परसों लगाया था, या उससे अगले दिन, मुझे ध्यान से याद नहीं है। तो चलो मैं इसको सेट कर लेती हूँ, फिर मुझे बर्फी भी बनानी है। और ये बाल ही नहीं सूख के दे रहे, मैं सोच रही ये सूखे तब कुछ वो हो। चादर झाड़ करके ऐसे ही छोड़ दी थी, एकदम से कुछ अर्जेंट काम आया कि पहले वो करते हैं। अंदर वाली भी ऐसी छोड़ दी थी, वो बिछा करके आई हूँ। चादर सेट करके कितना अच्छा लगता है ना, कमरा पूरा सेट हो गया है। थोड़ा सा काम और है, वो करूँगी। विपिन जा चुके हैं और अभी मैं सोच रही हूँ बर्फी वगैरह जमा लेते हैं। तो चलो रेसिपी देखती हूँ, आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ या कैसे शेयर करती हूँ। ये नहीं सूखेंगे, इनका वेट नहीं करते। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ बर्फ़ी। उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे मखाने ले लिए हैं, मखाने और नारियल गोला जो सूखा होता है उसकी बर्फ़ी बना रही हूँ मैं। पाक भी बोलते हैं इसको, मेवे पाक, मेवा और मावा दोनों की है ये। तो यहाँ पे इनको मैंने भून लिया अच्छे से घी में, उसके बाद इनको निकाल लेंगे परात में। और परात में मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि उसी में मैं इसको कटोरी से फोड़ लूँगी। मिक्सर में करेंगे ना तो बहुत ही पाउडर से हो जाएंगे, और पाउडर जैसा हमको नहीं चाहिए। या फिर आप इमाम जस्ते में कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा इमाम जस्ता नहीं है। मेरे पास जो इमाम जस्ता है ना वो बहुत छोटा सा है, उसमें अगर मैं इसे करने लगी ना तो काफ़ी बार में होगा। तो फिर उसी कढ़ाई में मैंने क्या किया, पानी ले लिया आधा गिलास, और अब मैं इसमें 650 ग्राम के करीब चीनी डाल दूंगी। मखाने मैंने लिए थे 100 ग्राम, और ना जो गोला था सूखा वो एक बड़ा गोला लिया था मैंने, जिसको कस लिया था, जो कि गुड्डू ने कसा था, बहुत बड़ा काम था ये। तो यहाँ पे ये लगभग 600-650 ग्राम के करीब हो गई हमारी चीनी। आधा किलो तो पूरी नापी थी मैंने और उससे ऊपर ली थी। ये चाशनी भी हमारी तैयार है, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही ये हो चुकी है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर ऐसा हो जाए तो। आप ये सोच रहे होंगे ना कि गाढ़ी हो गई तो इसका तो कोई क्या करेंगे, किसी किसी को पता भी होगा और किसी को नहीं पता होगा। तो मखाने डाल दिए जो हमने कटोरी से फोड़े थे, सूखा नारियल जो कसा था वो डाल दिया है, जो ये मावा था 1.5 किलो दूध का, इससे दो तरह की बर्फ़ी जमाई है मैंने। आधे की कल जमाई थी जो नारियल वो वाली थी लौकी वाली, और आधे की आज जमाई है जो ये सूखे गोले की और मखाने की है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको कर लेंगे हम तीनों चारों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स। अब जब मिक्स किया तो देखा कि ये तो थोड़ा सा इस तरीके से हो गया है, हार्ड हार्ड सा। इसकी बर्फ़ी कैसे जमेगी, लेकिन मैं बताती हूँ कैसे जमेगी, क्योंकि मुझे बताया था मेरी मम्मी ने। ये मम्मी की ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें क्या करना है, आपको पानी के छींटे मारने हैं। पानी के कितने छींटे मारने हैं, जितना ज़रूरत लगे उतने पानी के छींटे इसमें मारने हैं, हाथ में ले लेकर। एकदम नहीं डालना, एकदम डालोगे ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब आपको लगे कि ये थाली में डालने लायक हो गया है उतना मारना है। तो ये देखिए बिल्कुल ना देखने से ही पता चल रहा है बहुत ही सख्त सख्त वाली बर्फियाँ निकल कर आएंगी, बढ़िया एकदम। तो बर्फ़ी चाहिए भी हमें देखिए थोड़ी हार्ड टाइप वाली, सॉफ्ट वाली नहीं चाहिए। अगर सॉफ्ट वाली चाहिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मावा ज़्यादा डालिए वो अपने आप सॉफ्ट वाली अपने आप निकल कर आती है। लेकिन ये वाली थोड़ी टाइट टाइट सी बर्फ़ी अच्छी लगती है, जो ऐसे वाली होती है। बाकी कोई ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड नहीं किया, मुझे मखाने की और नारियल की ही अच्छी लगती है तो वही बनाई है, और बच्चों को भी यही वाली पसंद है।
काजू बादाम या कुछ और डालते हैं तो उनको नहीं पसंद आती। तो इसमें डालते वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाई थी जब मैंने परात में और थाली में डाला, क्योंकि आज मैं अकेली थी, फिर वीडियो भी रिकॉर्ड करना, थाली में डालना, घी लगाना, और जिस टाइम वो बर्फ़ी बनती है ना, मतलब बिल्कुल डालने के उस पर आ जाती है थाली में, उस टाइम तो मतलब घी लगी हुई थालियाँ तैयार होनी चाहिए तब आप एकदम डालो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पीस देखिए कितने बढ़िया कट कर आए हैं, कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी जमी है, देखिए एकदम बढ़िया बर्फ़ी जमी है। जबकि एक टाइम पे आपने देखा होगा वो बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया था, तो डरने वाली बात नहीं है, उस टाइम आप पानी डाल देना, लेकिन पानी के छींटे उतने ही देना, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, जितना उसमें चाहिए। अभी मैं बर्फ़ी बना के हटी थी और थोड़ी देर बैठ गई थी, बीच बीच में बैठते रहते हैं, ऐसा नहीं कि लगे ही रहें। तो यहाँ पर मैं जो है, ये लोग भी आ चुके हैं, बच्चे और विपिन, तो मैं मलाई चला रही थी जब ये लोग आए, और मेरा मक्खन भी निकल गया है, ये देखिए बढ़िया। अब कान्हा जी का आज जन्मदिन है तो मक्खन तो बनाना बनता ही है, 70 भोग एक तरफ और माखन मिश्री का भोग एक तरफ, तो उनके लिए आज माखन मिश्री का भोग ना बनाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, मक्खन निकालते हैं कान्हा जी के लिए। तो ये मैंने उनके लिए निकाल दिया है मक्खन, और बाकी का जो है मैं गैस पे चढ़ा दूँगी। हालांकि त्यौहार वाले दिन मलाई चलाना बिल्कुल मैं नहीं चलाती हूँ, लेकिन आज ये चलाना बहुत ज़रूरी था, तो मक्खन भी चला दिया है और घी रख दिया है मैंने गैस पे करने के लिए। बच्चे आ चुके हैं और चेंज वेंज भी कर लिया है इनके स्कूल से, इन्हें मैगजीन मिली है तो होता है ना फिर उसको बार बार देखना ये वो। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ पपीता, मैंने कहा पपीता खा लेते हैं, और विपिन का भी व्रत है, मेरा भी व्रत है, शाम को क्या बनाऊँगी क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। अभी दो तीन दिन से ना मेरी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म, शून्य। मंदिर जाएंगे, मंदिर का देखते हैं किस टाइम जाएंगे किस टाइम नहीं, और ये बाल सूखने में ही नहीं आ रहे, ये ले गया तो पसीनों की वजह से किचन में काम करे जा रहे हैं, बर्तन हुए जा रहे हैं, अभी ये आए इनके टिफिन वगैरह, फिर वो मलाई चलाई। ओ तो अभी याद आया कि घी गैस पे ही है, ओ माय गॉड बच गया, सीमा पे था। गुड्डू कम से कम यहाँ खड़ी थी, बता तो देती यार, ले लंच बॉक्स वगैरह उठा के रखे यहाँ पे, थोड़े बर्तन ढीले हो। आज ना घी सिर्फ और सिर्फ मेरे आप लोगों की वजह से बचा है, मेरे YouTube चैनल की वजह से बचा है, क्योंकि अगर मैं उस टाइम ब्लॉग कंटिन्यू ना करती और आपको बताना रही होती और एकदम से याद ना आता, तो अभी इसको वहां रख दिया है मैंने, अभी मतलब सही फुका नहीं घी, बिल्कुल व्हाइट कलर पे ही है अभी, व्हाइट क्या मतलब जैसा मुझे चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। और अभी तो ये गर्म भगोने में थोड़ा सा और वो होगा, गैस से उतार दिया मैंने, क्योंकि गैस गर्म होती है ना थोड़ी देर, वैसे भी वो फिर करता रहता है गर्म उसको, तो यहाँ से बर्तन ढीले करती हूँ, इसको बोलती हूँ। आज हमारे घर में कोई डेकोरेशन नहीं हुई है कान्हा जी के बर्थडे के लिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, हर साल मैं करती हूँ, चाहे मैं ज़्यादा करूँ कम करूँ, जैसा भी अपना मन होता है या अपना सामर्थ्य होता है, हर इंसान त्यौहार को उसी हिसाब से सेलिब्रेट करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी सामर्थ्य नहीं है या पैसे नहीं है, नहीं, लेकिन थोड़ा सा मन दुखी था तो उस हिसाब से मैं डेकोरेशन नहीं कर पाई। लेकिन जब गुड्डू आई स्कूल से तो उसको तो लग गया क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए, तो उसने अपने अकॉर्डिंग जो है डेकोरेशन करनी शुरू कर दी। तो शुरुआत की उसने अपनी इस पेंटिंग से, तो यहाँ पर जो है वो पेंटिंग कर रही है, पहले उसने मोर पंख बनाया, फिर उसके बाद और भी तैयारी उसने की जो दिखाऊंगी, और साथ ही साथ उसने चाय भी बनाई अपने लिए और मेरे लिए। तो मैं रस तो थे नहीं, उसको लगा रस है, मैं रस के साथ जब चाय बन गई तो कह रही मम्मी रस का डब्बा कहाँ है, रस नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा डब्बा तो मंज गया और रस ख़त्म हो चुके हैं। तो उसका मूड ख़राब हो गया कि अब मैं चाय, अब मैंने डांट दिया, मैंने कहा चाय पीनी पड़ेगी। खैर उसने दो एक घूंट पी, बिस्किट लाई बस, और फिर से वो लग गई अपने यहाँ पर डेकोरेशन के काम पे। तो यहाँ पर वो जो है श्री कृष्णा बना रहे, और ये लाइट आप देख रहे होंगे ना लुप लुप हो रही है, ये हमारे घर पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम स्विच विच में हो रहा था, तो यहाँ पे विपिन के फ्रेंड आए हुए हैं, वो थोड़ा स्विच बोर्ड वगैरह देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इस वजह से लाइट आ रही जा रही है। तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी, तो गुड्डू ने जो है श्री कृष्णा बनाया, फिर उसने अपने हिसाब से यहाँ पर डेकोरेशन की, और मैंने भी थोड़ा बहुत उसके साथ सहयोग किया। और देखा आपने बराबर में उसने ना रुई से मटकी करके जैसे मक्खन की तरह वो भी किया उसने, और वो बोल रही थी मम्मी मैं, क्योंकि मैंने ना सोचा हुआ था कि मैं इस बार जो डाइनिंग टेबल है उस पे डेकोरेशन करूँगी, और बहुत अच्छा मैंने सोचा हुआ था,
बस कुछ मन नहीं करा मेरा करने को। और यहाँ पे ये मैंने कान्हा जी के वस्त्र वगैरह, उनके आभूषण वगैरह निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे मैं उनको ये वाली ड्रेस पहनाने वाली हूँ। ये ड्रेस भिजवाई थी मम्मी ने जब मेरे सूट आए थे सिलकर, तो ये मैंने नई ड्रेस उठा करके रख दी थी कि ये ही मुझे जन्माष्टमी पे पहनानी है, क्योंकि ऐसी ड्रेस यहाँ मार्केट में पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मैंने पहना दी तो पुरानी हो जाएगी। और आज तो उनका बर्थडे है, तो कान्हा जी को तो नया ड्रेस पहनना बनता ही बनता है। मैं मार्केट भी नहीं गई, आपने देखा होगा, क्योंकि वही है, थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था। तो अभी जो है मैं कान्हा जी को स्नान कराने लगी हूँ। स्नान उनको कराएंगे, पंचामृत बन जाएगा उससे, ऐसे मतलब जैसे दूध हो गया कच्चा, दही हो गई, शहद हो गया, बूरा हो गया, गंगा जल हो गया, तो पांच चीज़ हो जाएंगी और पंचामृत बन जाएगा और कान्हा जी का स्नान होगा। और जो ये स्नान करके पंचामृत बनेगा इसको हम सभी पी लेंगे, क्योंकि ये प्रसाद है। और यहाँ पर देखो मैंने शहद भी डाल दिया, मैंने नया डब्बा मंगाया था शहद का, और यहाँ पे ये बूरा डाल रही हूँ मैं अभी। और अभी इनको जो है नहला के इससे, और ये इनका शाम का स्नान करा रही हूँ मैं। कान्हा जी को आप सभी लोग जानते हैं, मैंने भगवान, और जैसे मेरे पास भगवान है मंदिर में वैसे ही कान्हा जी हैं, तो मैंने उनको लाया नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं उनका 12 बजे जन्म वगैरह नहीं कराऊँगी, अभी मैं करा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ यार ले आऊँ कान्हा जी, लेकिन अगर मैं कान्हा जी लाऊँगी ना तो मैं बहुत बड़े साइज़ वाले कान्हा जी लाऊँगी, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना पैदा होता है, वैसे जो इतने साइज़ के कान्हा जी लाने का मन है। मुझे तो नहीं पता वो साइज़ क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि जब भी लाऊँगी तो इतना बड़े कान्हा जी लाऊँगी जो मेरी गोदी में दिखे इतने बड़े से ना। तो अभी देखते हैं वो चीज़ मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो अभी मैं कान्हा जी को रेडी करने लगी हूँ। इतने से कान्हा जी हैं ये हमारे, जिन्हें बिल्कुल बाल रूप है ये कान्हा जी का ना, जिनको तैयार करना भी मुश्किल हो जाता है। मेकअप करना चाह रही थी लेकिन फिर मैंने कहा करूँ ना करूँ, फिर किया ही नहीं मैंने, क्योंकि मेकअप करने के लिए ना मैं गुड्डू के रंगों का ही इस्तेमाल करती, पता नहीं मैंने कहा उससे मेकअप करते होंगे नहीं करते होंगे, है ना, थोड़ा सा मन में वो आ रहा था। तो यहाँ पे हमारे जो कान्हा जी हैं जिनका आज जन्मदिन है, या यूँ कह लो जन्म होगा 12 बजे, उनको हमने रेडी कर दिया है। तो यहाँ पर इनके प्रसाद में कुछ फ्रूट्स हैं, जो बर्फ़ी बनाई थी कटोरी में वो ले ली दोनों तरह की। और यहाँ पे जो मेन उनका भोग है वो है माखन मिश्री का, तो मिश्री भी मंगा ली थी, और ये मक्खन हो गया है। तो ये जो है भोग की थाली है कान्हा जी की। अभी जो मैं बनाऊंगी रात को खाने में, कुछ ऐसा नहीं बनेगा रात को खाने में, सिर्फ सूखे आलू मैं बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे देखो गुड्डू ने कितना सुंदर किया ना मटकी से रुई करके। अरे हमने ना बहुत कुछ सोचा हुआ था इस मतलब जन्माष्टमी के लिए, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये गुड्डू ने बाँसुरी बनाई है उनकी, कुछ भी नहीं हो पाया थोड़ा सा, बस अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे, हो जाता है चलो कई बार ना, कान्हा जी समझते हैं, कान्हा जी को पता है सारी चीज़ें। यहाँ पे गुड्डू ने बलून्स वगैरह ऊपर की साइड भी इस तरीके से लगा दिया था, क्योंकि बर्थडे जो है कान्हा जी का, क्योंकि मैं ना बात कर रही थी कि जन्मदिन होता है उनका, हम अपने जन्मदिन पे भी तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो उनका भी करेंगे, बल्कि हमने कहा केक भी देखेंगे, केक लेकर आएंगे इस बार। खैर केक का तो मैं फिर बाद में, मैंने कहा नहीं हम नहीं केक वेक नहीं लाएंगे, हम ऐसे ही घर पर मिठाइयाँ जो होंगी उनसे ही करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी डेकोरेशन जो गुड्डू के द्वारा की गई है? सब कुछ ये गुड्डू के द्वारा किया गया है, अगर वो ना करती तो ये इतना भी नहीं होता, मुझे पता है आप लोगों को पसंद आएगी। और अभी जो है मंदिर जाना है तो मैं रेडी होने लगी हूँ, क्योंकि सुबह से तो मैंने ऐसे ही कुर्ती पहनी हुई थी, उसमें मंदिर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई कोई ना कभी कभी मिलता है मंदिर में, मतलब थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, नहीं साड़ी पहनना मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने अपना ये वाला सूट पहना है। तो थोड़ा सा जो है अभी मैं मस्कारा और थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा के लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी, और लाइनर नहीं लगाऊंगी, लेकिन आजकल मुझे मस्कारा लगाना अच्छा लग रहा है तो मैंने वो लगा लिया, और काजल लगा लिया, बस इयररिंग पहन रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। और चूड़ियाँ मेरे को लगा रेड कलर की है मेरे पास वेलवेट वाली, लेकिन देखा तो ये मरून कलर की निकली, पर मैंने कहा चल छोड़ इतना भी क्या, मैचिंग ही करना है, बिल्कुल हो गई मैच, और मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। और अभी मेरी तबीयत ठीक है, कल कमेंट बॉक्स में इतना मतलब आप लोगों ने प्यार दिखाया, प्यार तो हमेशा दिखाते हो, कभी कुछ नहीं बोलते हो, जरा सी अपनी परेशानी बता दूँ तो सारे के सारे आप परेशान हो जाते हो और सब अपने अपने सुझाव देने लगते हो। तो डॉक्टर को चेकअप कराने का सोचा था, लेकिन अभी मेरा वो दर्द जो मेडिकल से ये दवाई लाए थे वो मैंने दो टाइम खुराक ली, तो मेरा को खाते पीते दर्द अब नहीं हो रहा है, अब मैं ठीक हूँ। तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, और यहाँ पे मैं भाभी को आवाज़ देने लगी थी।
ताई को जय करी नहीं, हाथ जोड़ के करो जय। बड़ी ये दो साल के हो गए हैं। बांसुरी बजा के दिखाओ दीदी को, बांसुरी बजाओ दोनों हाथों से, दोनों हाथ से कन्हैया बन जाओ। इसका एक फोटो भी खींच। तो मंदिर आ चुके हैं और मत्था टेक लिया है, और बाकी जगह मंदिर में भी हम मत्था टेक लेंगे। और पता है, जब मैं मंदिर में आती हूँ ना, डेकोरेशन देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि गुड्डू और मैं आएँ और यहाँ पर डेकोरेशन करें, पर हर साल सुबह मैं ये बात बोलना भूल जाती हूँ। मेरा मन करता है, जैसे जन्माष्टमी थी, मैं डेकोरेशन देख रही थी, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं और गुड्डू आके भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन में हेल्प करते, अपने तरीके से करते। तो एक तो ये रहता है ना कि मतलब हम जा पाएँ ना जा पाएँ, उस टाइम काम ना आ जाए, फिर पता चला हमारे चक्कर में डेकोरेशन रह गई। लेकिन मैं इस बार ना विपिन को ये बात बोल रही थी कि आप बोलना अगले साल कि हम करते हैं मिलकर डेकोरेशन, मतलब विपिन भी हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबे बंदे का भी चाहिएगा ना, और गुड्डू और मैं मिलके करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या रहता है। और बस ये वाली जो मूर्ति है ना हमारे मंदिर में, उस टाइम स्थापित हुई थी, आपके साथ व्लॉग भी शेयर किया था। यहाँ पे जो है पंडित जी से प्रसाद वगैरह लिया, और ये तन्मय है, राधे राधे का टीका लगवा के सब खुश हो गए। मैंने भी लगवाया है, विपिन के भी लगा है, मतलब सभी को लग रहा था हमें, मतलब ऐसे नहीं कि हमें मैंने क्या लगवाया, मतलब सबको लगा रहे थे वो। और यहाँ पे मैं और गुड्डू खड़े हैं, मुझे नहीं पता था, मैंने को लगा कि फ़ोटो वोटो खींच रही होगी और मैं किसी को देखने लगी थी, फिर वो वीडियो बना रही थी। फिर हम घर की तरफ आ रहे थे, और तभी जो हमने देखा कि पंचायती जो घर है हमारे गांव का, वहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा प्रोग्राम किया हुआ है डांस वगैरह का थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम वही देखने लगे थे। झांकी वगैरह बुलाई हुई थी बाहर से, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, आप लोग भी देख लोगे। और आप लोगों के यहाँ तो कब हुई, आज कर रहे हो या कल आप लोगों ने की? हमारा तो दो दिन व्रत हो गया है, कल भी और आज भी हम लोगों का व्रत रहेगा। और हमारे यहाँ ना थापे दिए जाते हैं जन्माष्टमी से अगले दिन, नौमी पुष्टी है, थापे देना बोलते हैं मतलब मेन, तो उसको तो वो अब हम लोग आज नहीं करेंगे, और बाकी पूछेंगे शाम को होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं, सबसे पूछना पड़ेगा चाची वगैरह से। तो यहाँ पे सभी लोग गांव के जो लोग मंदिर में आ रहे हैं वो यहाँ रुक के थोड़ी देर इन लोगों को देख रहे हैं। फिर मैं तो थोड़ी देर बाद घर आ गई थी, और यहाँ पे खाना भी रेडी है, जीरे वाले आलू दही हम लोग खाएंगे, आप लोग भी खा लीजिए। 12 बजे वाला हम लोगों ने आज तक नहीं किया, जिस दिन हम कान्हा जी को वैसे करके लाएंगे ना कुछ मान करके, उस दिन से हम 12 बजे किया करेंगे। और इस ब्लॉग को भी यही एंड कर देते हैं। पता है ये व्लॉग ना कम से कम 40 मिनट का था, जिसको मैंने एडिट कर करके कर करके कर करके 18 मिनट पे लाके रोका है, वरना ये दो पार्ट में हो जाता। मैंने कहा नहीं, दो पार्ट में नहीं करना। आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताना, और लाइक भी ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मुझे दो इजाज़त, फिर मिलती हूँ आप सबसे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी।